कैंसर की एक टीम होती है जो जिसमें मसलन जो पैथोलॉजी या लेबॉरेटरी जो हम कहते हैं, तो ये जो वर्कशॉप है ये वो लोग हैं जो कैंसर की तशीस करते हैं। कोई भी कैंसर का इलाज जो होता है, जो ये जो लोग जिस सब्जेक्ट जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के बगैर दुनिया में कहीं आपको इजाज़त नहीं होती कि आप कैंसर का इलाज शुरू करें, नंबर वन। क्योंकि इस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक तो कैंसर की किस्म क्या है, दूसरा ये पता चलता है जो कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम चीज़ें बताते हैं कि किस तरह की इलाज इसमें फ़ायदा मंद हो सकता है, यानी क्या सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत है या इसको शुआएँ भी मिलनी चाहिए या इसको दवाइयाँ भी चलनी चाहिए, वो इस रिपोर्ट के ऊपर इनसार होता है। और उसके अलावा आजकल कुछ खसूसी दवाएँ आ गई हैं जो बड़ी ख़ास कैंसर सेल पे अमल करती हैं, नई दवाएँ, तो वो भी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि भाई इस मरीज़ में वो फलां दवाई जो है वो असर करेगी या नहीं करेगी। तो ये जो इस किस्म के वर्कशॉप हैं उससे लोगों का इलम में वो इजाफ़ा होता है कि वो अच्छी तशखीस कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी एक मुश्किल सी समझ लें चीज़ है और हर आदमी ये तशखीस नहीं कर सकता। इसके लिए अच्छी तरबियत चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, एक तजर्बा चाहिए काम का, क्योंकि अगर आपने गलत किस्म डायग्नोज कर दी तो सारा इलाज गलत हो जाएगा। Lovely experience to come here. The conference is amazing, and I just wish कि ये more frequent होनी चाहिए 2-3 महीने बाद, क्योंकि बहुत informative होती है और जो लोग नहीं लाहौर travel कर सकते या इतनी पैसे पे नहीं travel कर सकते उनके लिए बहुत informative है। तो it was a pleasure to attend it. The cases were amazing and they so well thought out and they're so exam oriented that it was a pleasure being here. ये बहुत अच्छी IMDC की काविश है कि वो इस तरह की एनुअल वर्कशॉप्स करवाता रहता है और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, हम बहुत गेन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा फ्यूचर में भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, इस प्रैक्टिस को। इट्स अ वेरी गुड, वेरी बेटर ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप फ्रॉम वेरी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ऑफ शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल, एंड बिकॉज आवर एग्जाम्स आर कमिंग, सो we have learned a lot from this workshop. It's a very good, I appreciate the administration, the organizing committee, and I'm very very thankful for the college administration, the principal, the histopathology staff of this college, and I have really learned a lot from this workshop.